मैं भारत यात्री हूँ और आज जब यात्रा हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर पहुँचने वाली है तो मैं गर्व से यह बात कह सकता हूँ कि यह जिंदगी में मुझे एक ऐसा मौका मिला है जो शायद दोबारा कभी न मिले। इस देश को, इस विशाल देश को, इसके मूल्यों को, परंपराओं को, संस्कृतियों को, लोगों को, गांवों को, शहरों को, गलियों को, नदियों को, समंदरों को, पहाड़ों को अपनी आँखों से देखने का मौका मिला है। हमने प्यार देखा, स्नेह देखा, लोगों की एकता देखी, स्वाभाविक रूप से उनकी समस्याएं भी देखी, उनका दुख देखा, दर्द देखा। यह अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव था। मैं आप सब लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यह यात्रा समंदर के किनारे से शुरू होकर के हिमालय की गोद में पहुँचने वाली है, यह अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। हम लोग अब बस कश्मीर पहुँचने वाले हैं, इसीलिए हम आप सबसे भी यह आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप इस यात्रा से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा, आपने एक बेहतरीन मौका पाया है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आपके लिए यह एक बेहतरीन मौका है, आपको इसको गंवाना नहीं चाहिए, आप इससे जुड़िए। यह यात्रा आपको अंदर से और बाहर से खुद को देखने का, समाज को देखने का, आपके नज़र और नज़रिए को बदलेगा, यह हमारा भरोसा है। यह इस यात्रा ने अपनी उन सारी उम्मीदों को पूरा किया है जिस उम्मीद को लेकर के हम चले थे। हम लोगों को जोड़ने में कामयाब हुए हैं, उनके सपनों को जोड़ने में कामयाब हुए हैं, उनके दर्द को, दुख को जोड़ने में कामयाब हुए हैं। यह देश एक था, एक है और हम इसको एक बना करके रखेंगे। इस उम्मीद को, इस आशा को प्राप्त करने में यात्रा कामयाब हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी जब भी इस देश को इस तरह की किसी भी मोहब्बत की, प्यार वाली यात्रा की ज़रूरत होगी, यह यात्रा उनके लिए एक रेफरेंस बनेगा। यह एक ऐतिहासिक यात्रा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है जो वर्तमान से लेकर के इस देश के भविष्य को सुधारेगा, बदलेगा, ऐसा हमारा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया।